फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं मेरी फेमस एक्टर राशि ठाकुर की रिलीज के लिए कितने टीवी सीरियल्स और मूवीज में काम किया। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इनका जन्म 22 सितंबर 1981 को हुआ था। जिनकी 43 साल के करियर की स्टार्टिंग उन्होंने मॉडल के रूप में किसी टेलीविजन डिब्यू 2005 में 7 फेरे सलोनी का सफर से किया। इस शो में उन्होंने सलोनी का रूप देखा, जिसके बाद 2007 में कसम से नजर आए। 2008 महीने बनू में तेरी दुल्हन में देखा गया। इस शो में इन्होंने खास रोल प्ले किया, जिसके बाद ये छोटी बहू में नजर आए। इशो में वे गेस्ट के रूप में नजर आए। 2008 में कहो ना यार है नजर आए। इशो में वे कंटेस्टेंट के रूप में नजर आए। 2008 में इन्हें एक से बढ़कर एक में देखा गया। इशो में इन्होंने कंटेस्टेंट के रूप में काम किया। 2009 में इन्होंने सपना बाबू का विदाई में काम किया। इशो में इन्होंने निष्ठा का रोल प्ले किया। 2010 में इन्होंने अगले जन्म मोहित बिटिया के कीचो में काम किया। 2013 में इन्होंने भारत का वीरपुत्र महाराणा प्रताप में काम किया। इशो में इन्होंने जयवंता बाई का रोल प्ले किया। अपने इशो से इन्होंने काफ़ी नाम कमा लिया। इसके बाद 2020 में इन्होंने शादी मुबारक में काम किया। इशो में इन्होंने प्रीति का रोल प्ले किया। 2022 में इन्होंने अपना पन में काम किया। इशो में इन्होंने पल्लवी का रोल प्ले किया। अपने इशो से इन्होंने काफ़ी नाम कमाया। बॉलीवुड डेब्यू 2004 में इन्होंने हवा आने दिल से किया। इसके बाद 2019 में इन्होंने हिरकनी में काम किया। इसके साथ ही इन्होंने 51 भी कर चुकी है एंड अपने अचीवमेंट के अवार्ड भी प्राप्त किए। अब ये सीरियल बस इतना सा फॉर्म में आर्मी का रोल प्ले करने पर फिर अपने अचीवमेंट से लोगों का मन जीत रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इन फ्रेंड सभी टीवी सीरियल्स मूवीज में से कौन है तो मैं तो टीवी सीरियल ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मैं जिनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं तेनाली में तब तक के लिए टेक केयर। बाय बाय।